कोई मतलब नहीं है, कोई सवाल का जवाब नहीं आता। तो हम लोग सब लोगों ने निर्णय लिया है कि जब तक हमारे प्रस्ताव को मंजूर नहीं करेंगे, बहस कराना नहीं कराना, अगर ना भी कराए, प्रस्ताव को मंजूर भी ना करें, तो कम से कम 5-5 मिनट सब दल के लोगों को मौका दे दे अपनी प्रतिक्रिया देने का, बात को रखने का। कई लोगों की उम्मीद है, हम लोग जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि हम लोगों के लिए क्या पूछ रहा है। अगर बोलने नहीं दिया जाएगा तो हाउस जाने का क्या मतलब है? जब आपको पहले से ही सब कुछ तय कर लेना है तो हम लोगों का क्या काम है? फिर तो विधानसभा का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 बजे से जो सत्र शुरू होगा, इसका हम लोग सभी विपक्षी दल के जितने सदस्य हैं सभी लोग हाउस का बहिष्कार करेंगे। और कल फर्स्ट हाफ में हम लोग कर्पूरी जी के, ठाकुर जी के प्रतिमा के समक्ष हम लोग जो है धरना देंगे, सभी विधायक विपक्षी दलों के। कौन बोल रहा है? अरे भैया, आप लोग जिन जिन लोग का इंटरव्यू लेते हैं, ऐसे ऐसे मंत्रियों का इंटरव्यू लेते हैं कि उस स्कीम का नाम भी नहीं जानते। अग्निवीर है, और आप लोग सब लोग तो देखे ही हैं, सुने, जो नाम ना बता पाए वो उसके बारे में क्या बता पाएगा? ये तो अद्भुत है ना। अरे ये लोग तो मन में स्पष्ट हो ही ना गया कि भाजपा कार्यालय आएगा सब लोग 4 साल बाद। सैनिक तो अपना काम करते ही, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पे भी लागू होना चाहिए फिर, अगर आपको तो नहीं अच्छा लग रहा है तो। इसमें तो पूरा योजना के बारे में ये भी नहीं बताया कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी जैसे मिलता था, कैंटीन की सुविधा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनके चिकित्सा का ख्याल रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, पेंशन जो ग्रेजुटी होती है उसका क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है आपको। तो इसलिए ये मसला था, गंभीर मसला था, और हम लोगों को उम्मीद थी कि स्पीकर साहब जो हैं विपक्ष के लोगों को भी संरक्षण देंगे, क्योंकि स्पीकर जो होता है किसी दल का नहीं होता जब आसन पर बैठ जाता है तो, और उसको जो है पक्ष और विपक्ष दोनों को मौका देना चाहिए, साथ लेकर के चलना चाहिए। और हम लोग तो चाहते हैं हाउस चले, सारे सरकार के बिजनेस जितने हैं सब लोग, कई बार हम लोगों ने पास कराया है, कर भी रहे, हर बिजनेस में हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना, लेकिन जब मामला नौजवानों का है और लाखों लोगों का है, छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो हम चुप कैसे रहे? और आप जो हो इस लोकतंत्र के मंदिर में हमको एक मौका भी नहीं दे रहे हैं 5 मिनट अपनी बात को रखने का। जब बिहार विधानसभा में लोकतंत्र के मंदिर में अगर हम लोगों को, जो विपक्ष की संख्या भारी है, हर तरीके से जो है कम नहीं है, तब भी आप जो है तानाशाह रवैया अपना करके 5 मिनट मौका नहीं दे सकते? अब आप बताइए हम क्या करें? शांतिपूर्ण ढंग से जब हम लोग कोई बात करते हैं ये समझते नहीं है, यानी ये बार बार चाहते हैं, मजबूर करते हैं ताकि हंगामा हो। और हम लोग क्या चाहते हैं कि हाउस ना चले? अगर हाउस चलेगा नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? हम तो बोलना चाहते हैं, और जब बोलना चाहते हैं तो इसका मतलब है हाउस चले, हम चाहते हैं चलना चलाना, लेकिन कौन लोग हैं जो नहीं चलाना चाहते हैं?